दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है ऑनर का 90GT। हालांकि ये स्मार्टफोन ये कंफर्म जो गेमिंग के लिए काफ़ी दमदार साबित हुआ है और ये GT लेवल का ही है। अगर हम रियलमी से कंपैरिजन करें कि रियलमी GT जो इतने फ़ोन आते थे और 6 या फिर 5 जो भी कुछ लॉन्च हो चुके हैं काफ़ी कुछ दमदार था। हालांकि यहाँ पे जो चिपसेट को लेकर सबसे बड़ी खबर है वो बता दूँ कि ये चीज़ चिपसेट के साथ साथ मौजूद जितने भी फीचर्स हैं काफ़ी कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे की दी गई में इसमें डिवाइस में फ्लैट ओलेड पंच होल डिस्प्ले और फ्लैट कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं। नया फ़ोन ब्लू कलर के ऑप्शंस में ब्लैक कैमरा जो कि मैरून में देखा जा रहा है, इसमें दो कैमरे और एक LED फ्लैश और एक GT लोगो के साथ ही है। यूजर्स को गोल्ड ब्लैक और ब्लू जैसे तीन कलर के ऑप्शंस में ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसके जो डिस्प्ले हैं, प्रोसेसर हैं, स्टोरेज है, कैमरा बैटरी OS और कैमरा मेन जैसे OIS का सपोर्ट, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होना काफ़ी दमदार साबित है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले से शुरुआत करूँ, जैसे 90GT में स्क्रीन साइज़ के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बता दूँ कि OLED पैनल पर 1.5K रेजोल्यूशन वाले 3840 PWM डिमिंग का सपोर्ट किया जा रहा है। प्रोसेसर के लिए बता दूँ कि तगड़े परफॉर्मेंस के लिए कॉलकम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट का यूज़ हुआ है। स्टोरेज डाटा स्टोर करने के डिवाइस में 4 स्टोरेज ऑप्शंस की ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, फिर एक 16 GB रैम है, फिर 24 GB रैम है। तो गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फ्री फायर हो, पबजी हो, सारी चीज़ के लिए कम्फर्टेबल है। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इसके लिए इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे 12 GB रैम के साथ 256 GB का स्टोरेज है, फिर 16 GB रैम के साथ 256 GB का स्टोरेज है, फिर एक 16 GB रैम है उसमें आपको 512 GB का स्टोरेज है, फिर जो सबसे टॉप मॉडल का जो स्टोरेज है वो है 24 GB रैम प्लस 1 TB स्टोरेज है। तो इस हिसाब से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सेम 90GT आपको कम प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में, मिडिल प्राइस में खरीद सकते हैं। कैमरे की फीचर्स की बात करें, जैसे कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 50 MP का प्राइमरी कैमरा लेंस है। वहीं बैटरी के मामले में पीछे नहीं है, 5000 mAh की बैटरी है, 100W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है, जो कि डिवाइस में डुअल सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ, फिंगरप्रिंट जैसे कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये चीज़ संभावित है, संभावित इसलिए क्योंकि ये इंडिया में ही लॉन्च होगा और ये एक रूमर्स के तौर पे बताया गया, लेकिन अगर हम पिक्चर्स में एक बार नज़र डालें तो नीचे दी गई इमेज में डिवाइस में 21 दिसंबर को हुई ये चीन में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। और सबसे अच्छी बातें हैं कि चीन में जो लॉन्च हो रहा है उसमें भी मेमोरी के ऑप्शंस में है, जो कि इंडिया में भी लॉन्च होगा सेम वेरिएंट में देखा जाएगा, जो कि शाम को 7 बजे तक ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया जाएगा। फ़ोन के पोस्टर के सामने एक तरफ फ्लैट OLED पंच होल जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ें इसमें ये है कि ये जो स्मार्टफोन है ऑनर GT 90 GT को लेकर, उसके साथ साथ आपको पैड 9 को भी देखने की बात की जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अगर पसंद आया जब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।